और अब आपको दिखाते हैं एसिड का कहर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात के वडोदरा में आज बदमाशों ने एसिड का कहर बरपाया है। यहां पर बाइक सवार बदमाश महिलाओं पर एसिड फेंककर फरार हो गए और दोनों ही वारदातों में पीड़ितों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं वडोदरा की और भोपाल की, जहां पर एसिड अटैक किया गया है। लेकिन खास बात यह कि दोनों ही जगह बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं पर यह एसिड अटैक किया है और बदमाश फरार हो गए हैं। हालांकि दोनों ही जगह की पुलिस इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हैरत में डालने वाली यह खबर कि दो अलग अलग शहरों में एक जैसी ही कमोबेश ये घटनाएं हुई है। ऐसे में सवाल कि आखिर कब एसिड का आतंक खत्म होगा। भोपाल में एक लड़की पर एसिड से हमला हुआ है। बाइक सवार लड़कों ने एसिड इस लड़की पर फेंका और बताया जा रहा है कि हबीबगंज एरिया में ये हमला किया गया है। लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और लड़कों की पहचान अब तक के नहीं हो पाई है जिन लोगों ने ये हमला किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये जा रही थी बस के लिए जा रही थी, तो इसका ऐसा बताना है कि एक मोटरसाइकिल पे दो लोग, जिनमें से एक बुरका ओढ़े हुए था और दूसरा चेहरे पे कुछ बांधा हुआ था, वो पास में आके कोई पता पूछा इससे कि वर्मा जी का पता पूछा, इसने कहा मुझे नहीं मालूम है, तो इसको लगा कि कुछ वो कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा भगी है, तो उन्होंने एक डब्बा निकाल के पीछे से उस पर इसके ऊपर फेंका है। इसके शरीर के बाएं पोर्शन पे कुछ एसिड पड़ा है उसमें, जिससे झुलस गई है। अभी इसका इलाज चल रहा है, अभी पुलिस प्रकरण कायम कर रही है 307 का, और इससे फिर पूछताछ की जाएगी। हम गायत्री मंदिर से निकले, ये लड़की भाग के आ रही थी वहाँ से, और बेचारी सी, तो मैं ये बेदी साहब हैं बैंक ऑफ, ये इसमें कौन से बैंक में है, ये पंजाब नेशनल बैंक में, ये इनके यहाँ किराए से रहती है, तो इनके घर हमने अंदर किया और उनसे चादर लेके इसको ढक दिया हम लोगों ने, बस इतना ही किया। उसके बाद हम इसको नर्मदा हॉस्पिटल लेके हम लोग आए हैं। इसके पूरे कपड़े नीचे से फटे थे और सामने से पूरा उसका साइड से था। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है, किस पर आशंका जाहिर की जा रही है? अभी पुलिस का कहना है कि 307 का अज्ञात दो लड़कों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, लेकिन अभी पुलिस की जो बातचीत हुई है, बातचीत के आधार पर अभी ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस को कारण जो है कि आखिर इन लड़कों ने क्यों फेंका, क्योंकि दोनों आरोपी फौरन मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि लड़की अकेली थी, फौरन ही फरार हो गए थे, और उनके फरार होने के बाद अभी उनकी तलाश की जा रही है, तो लड़की की अभी एक बार फिर से बयान दिए जाएंगे और उसके बाद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किसी से उसकी कोई अनबन या कोई किसी भी तरह का लड़के से कोई विवाद अगर हुआ हो तो उसके बाद पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचे। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल की तरह वारदात गुजरात के वडोदरा में भी हुई है, जहां एक युवती पर चार लोगों ने एसिड से हमला किया है। जख्मी हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ट्रैफिक ब्रिगेड का हिस्सा थी। दरअसल वडोदरा में ट्रैफिक संचालन में स्थानीय लोगों की भी मदद ली जाती है और इसी ट्रैफिक ब्रिगेड का हिस्सा थी ये लड़की, जिस पर एसिड से हमला कर दिया गया है। जनक दवे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनक, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या बयान दर्ज हुए हैं पीड़िता के, उसने कोई शंका आशंका जाहिर की है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उससे ये बात साफ होती जा रही है कि शायद कोई प्यार मोहब्बत का कोई मामला हो और किसी शख्स ने जो उसके साथ रहा हो उसने ही शायद ये काम किया हो। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आ रहा है। बावजूद अभी महिला की स्थिति अभी इतनी नाजुक है कि उससे इस मामले में पूछताछ नहीं हो पा रही है, पर मेरे जो पुलिस सूत्रों से बातचीत हुई उसके मुताबिक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही बात निकली, और सबसे राहत की बात पुलिस के लिए रही है कि जो जिन शख्स ने ये एसिड अटैक किया है वो चारों लोग जिस बाइक पे आ रहे हैं वो बाइक सीसीटीवी में कैद जरूर हो गई है, उसके आधार पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई है, तो निश्चित तौर पर दोपहर तक उन आरोपियों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल प्रशांत, शुक्रिया जनक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।